नमस्कार, आई इन इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। नल जल योजना इस मंशा से शुरू की गई थी कि ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या दूर हो, लेकिन इस कोशिश को भी अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ना पड़ा। पन्ना के ग्रामीण इलाकों में नल जल योजना दम तोड़ चुकी है, जबकि ये गांव खुद पीएचई मंत्री कुसुम महेंद्रे की विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। क्या कुछ बने हैं यहाँ पर हालात, क्यों ग्रामीण हो रहे हैं परेशान, विस्तार से करेंगे चर्चा आई एन डी इनसाइड में। प्यासी पेयजल योजना, शुद्ध पानी कितना जरूरी होता है यह बात हम सब जानते हैं, लेकिन अगर लोगों को दूषित पानी पीना पड़े, इससे बड़ी नाकामी नल जल योजना की कोई और नहीं हो सकती। पन्ना की ग्राम पंचायत वीरा में टंकी से लीकेज और गांव में पाइपलाइन न होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अधूरे कार्यों के चलते टंकी को हैंडओवर नहीं लिया गया। वहीं नियमानुसार पीएचई विभाग को पूरे गांव में पाइपलाइन लगाकर घर घर निशुल्क कनेक्शन देने चाहिए और फिर उसकी टेस्टिंग कर ग्राम पंचायत को हैंडओवर करना चाहिए, लेकिन न ही इसकी कोई टेस्टिंग हुई और न ही ग्रामीणों के घर पर पाइपलाइन बिछाकर नल कनेक्शन दिए गए। अब ऐसी गर्मी में रहवासी कोसों दूर से पानी भरने के लिए मजबूर हैं। पीएचई विभाग से बनी हुई है टंकी, ठेकेदार भी आए, कई बार आवेदन भी लगाया, लेकिन टंकी लीकेज है और पाइपलाइन नालियों में पड़ी हुई है। पूरे गांव में लाइन भी सप्लाई नहीं है। आवेदन भी लगाया कि हमें हम लोगों को सप्लाई दिया जाए, बोले नहीं, कुछ पैसा लगेगा, इसके बाद सप्लाई दिया जाए। उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जनता यहाँ तड़प रही है पानी को। हमारी मांग कहते हैं कि हमारी टंकी सही हो जाए और हमारी जो है लाइन सही जगह सब लोगों को पानी मिल जाए, जिससे सब लोगों को संतुष्टि हो। अभी क्या कोई परेशानी है? जी, पानी पीने के लिए गंदा पानी नहीं मिलता। सीमा जी नल है वो भी नीचे चले गए हैं, बहुत दूर से पानी भर के लाना पड़ता है, जिससे बाल बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। स्थिति है कि इतना उसमें कचरा डाला है, पीपल के पेड़ है, उसमें कीड़े पड़ चुके हैं, पीने योग्य नहीं है। फिर हम एक किलोमीटर दूर से लाते हैं, चलुए नहीं कर रही है। हाँ, लीकेज 6-7 साल से बनी है टंकी, 7-8-10 साल लग हो गए। अच्छा, लेकिन न्यूज इसका पानी यूज नहीं हुआ। ये सर पीएचई विभाग के द्वारा बनाई गई है, लागत लगभग 20 लाख के समथिंग है शुरुआत में जो हुई है चालू, और जब से ये योजना बनाई गई है तब से लेकर के आज तक एक ग्राम पंचायत को हैंडओवर नहीं हुई है, और इसमें गांव वालों के द्वारा आपत्ति भी जाहिर की जा रही है, क्योंकि जो पाइपलाइन सप्लाई पाइपलाइन है वो ओपन नालियों में दरी है, जो लीकेज है, पानी की टंकी में भी रिसाव है। इस वजह से गांव की जो आम जनता है उनमें आक्रोश भी है, वो इससे संतुष्ट नहीं है। संभवतः 12-13 में स्वीकृत हुई है योजना, नहीं चालू हो पाई है। वहीं इस मामले में अधिकारियों से बात की गई तो लापरवाही का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते हुए नजर आए, हालांकि काम कराने का आश्वासन भी दिया गया। लगभग जो है 4-5 वर्ष पूर्व बनाई गई थी और योजना ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की गई थी। ग्राम पंचायत योजना का चलाने का जो दायित्व है वो ग्राम पंचायत का है। वर्तमान में ये सही है कि योजना बंद है, इसकी एक हमने योजना बनाई है, वृहद सुधार की योजना बनाई है जो स्वीकृत है। इसमें लगभग 20 लाख तक का व्यय आएगा, कॉन्ट्रैक्टर कई जगह काम शुरू कर दिया है और इसमें भी हम शीघ्र ही इसमें काम चालू करवाएं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में पेयजल पहुंचाने के लिए शुरू की गई नल जल योजना कई गांवों में ठप पड़ी है, इससे ग्रामीणों को पानी के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। जबकि नल जल योजना के लिए लाखों रुपए खर्च कर टंकी का निर्माण कराया गया, लेकिन पाइपलाइन नहीं बिछाई गई, जिसके चलते अब ग्रामीणों को इस योजना के तहत पानी नहीं मिल पा रहा। खैर, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशांत चौरसिया फोन लाइन पर मौजूद है। सुशांत, जानना चाहेंगे अगर पन्ना जिले की बात की जाए और अगर खासतौर पर कुसुम महेंद्रे के विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, तो यहाँ पर कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पर कई तरह की अव्यवस्थाएं देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो सरकारी स्कूलों की बात कर ली जाए या पीएम आवास की बात कर ली जाए या सड़क की बात कर ली जाए, और बात अगर नल जल योजना की अगर सामने आती है तो वो भी यहाँ पर खस्ता हालत में दिखाई देती है। वर्तमान में क्या कुछ हालात वीरा ग्राम पंचायत के? मोनिका जी, त्राही मान कर रहे हैं वहां के जितने भी जो ग्रामीण है वो त्राही त्राही कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है, यह सौभाग्य कहें कि दुर्भाग्य कहें कि पीएचई मंत्री इसी विधानसभा से प्रदेश की मंत्री हैं,
पीएचई विभाग उनके पास है, लेकिन उनके विभाग की आज स्थिति क्या है ये सीधे तौर पर हम तस्वीरों में देख सकते हैं जी। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट ये निकल कर आ रही हैं कि कुसुम सिंह महदेले द्वारा नल जल योजना समूचे जिले में ठप्प पड़ी है। यहाँ तक कि अधिकारियों ने भी स्पष्ट ये कह दिया कि 350 के आसपास की हमारी योजनाएं हैं नल जल योजना पूरे जिले में, उसमें से 87 योजनाएं अभी भी बंद पड़ी हैं। अब कहने का आशय यह है कि लगभग 5 से 10 साल की सरकार में बैठी कुसुम सिंह महदेले पीएचई मंत्री हैं, वो अपने जिले में जब 5-5 साल की व्यवस्था में को सुधार नहीं कर सकी है तो आखिर समूचे प्रदेश में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित करेगी ये सरकार। और दूसरी बात मोनिका जी, ये टेक्निकल इसमें ये है कि साफ पानी ना पीने के कारण कई लोग कई बार बीमार पड़ते हैं और जिला चिकित्सालय में भर्ती होते हैं, और इनके लिए सबसे बड़ा बोझ ये हो जाता है कि ये इतने गरीब होते हैं कि ये अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि देखिए पानी से कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ये फैक्ट है। और इसको लेकर दूसरी जो योजना इफेक्ट हो रही है गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में वो है स्वच्छ भारत अभियान की योजना, जिसमें शौचालय निर्माण करवाए गए हैं, क्योंकि पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही लोगों के घर घर में, इसलिए वो योजना भी विफल पड़ी है। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि कुसुम सिंह महदेले के क्षेत्र में जो हालात है वो बस से बदतर है, और गर्मी का समय आने वाला है और अभी भी कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। अधिकारी सिर्फ यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि बिल्कुल इसमें काम किया जाएगा, काम चालू हो गया है, 2-3 दिनों के तक इसमें काम जारी रहेगा, लेकिन अगले 4-5 दिन इसे फिर से बंद कर दिया जाएगा। रिसेंटली मेरी अधिकारियों से अभी बात हुई है तो उनका यही कहना है मोनिका जी कि नहीं नहीं इस योजना को अब चालू किया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि पहले तो शासन योजना बनाती है नल जल की और उसके बाद उसमें मिस्टेक्स करती है, भ्रष्टाचार करती है, और उसके बाद फिर एक और योजना तैयार करते हैं उसकी सुधार की। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये पूरा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें सभी की सहभागिता होती है, चाहे इसमें मंत्री हो, चाहे इसमें अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड सभी की इसमें भूमिका होती है, जिस कारण से ये पूरा बंदरवाट का एक खेल है। चलिए सुशांत, जानेंगे कि यहाँ पर और क्या कुछ हालात बने हैं आपसे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ मनमोहन शुक्ला जो ग्रामवासी हैं यहाँ के वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमोहन जी स्वागत है आपका जी। जानना चाहेंगे आखिर क्या कुछ हालात आपकी ग्राम पंचायत में और आखिर क्यों, आपने सरपंच और सचिव से भी बात की होगी, क्या कुछ कहना है उनका? मैं ग्राम बीरा तहसील अलीगढ़ जिला पन्ना से बोल रहा हूँ जी। ग्राम बीरा में हालात पानी की जो है समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि जो पानी की टंकी बनाई गई है वो पूरी लीकेज है, कुछ पाइप नालियों में डाल दिए गए। अब मैं वार्ड नंबर 18 का निवासी हूँ, वहाँ पे एक भी पाइप लाइन नहीं बिछाई गई जिससे हमारा पानी 1 किलोमीटर दूर से आता है जी। तो बीरा में अगर पानी की समस्या से हालत हो गई तो बहुत से लोग की मृत्यु हो सकती है या पानी के कारण जो है कई समस्या हो सकती है, और यहाँ पे कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है कि पानी की क्या दिक्कत है। श्रीमान जी, यहाँ ग्राम बीरा में बहुत समस्या पानी की है, आज जल्द से जल्द जो है पाइपलाइन बिछवाई जाए और टंकी में सुधार कराया जाए तो अच्छा हो। तो आखिर इस संबंध में किन किन अधिकारियों से बात की गई मनमोहन जी, और क्या कुछ आश्वासन अधिकारियों की तरफ से दिए गए आप लोगों को? जी, पंचायत विभाग से सेक्रेटरी से बताया गया, सेक्रेटरी ने कहा कि मैं सभी विभागों को सूचना दे चुका हूँ और कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि नल जल विभाग वाले अधिकारी भी आए थे ग्राम सभा के दिन, वहाँ से भी उनको भी अवगत कराया गया, लेकिन बोले 3-4 दिन में हो जाएगा, 3-4 दिन होते होते 3-4 महीने हो गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशांत, आपने यहाँ पर इस ग्रामवासी की बात सुनी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तकलीफ इनको है, क्योंकि पेयजल योजना जो इतने सालों से यहाँ पर ठप पड़ी हुई है इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भोली भाली जनता को उठाना पड़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर नल जल योजना की बात की जाए, आखिर कितने समय पहले यहाँ पर इसकी योजना की जो है स्वीकृति मिली थी, आखिर कितना वक्त अभी तक हो चुका है कि इस योजना का लाभ आम जनता तक नहीं पहुँच पा रहा? मोनिका जी, विगत 2013 में इस योजना का शुरुआत ग्राम पंचायत बीरा में किया गया था, एक टंकी का निर्माण कराया गया था, ठेकेदार व्यवस्था से इसको सुचारू रूप से बनवाया गया था, लेकिन इसमें टेक्निकल फॉल्ट ये आ रहे हैं कि ग्राम पंचायत ये कह रही है कि आप हमें प्रॉपर टेस्टिंग करके ही हम आपसे हैंडओवर लेंगे, लेकिन अब पीएचई कहती है कि नहीं, हमने जितना आपको स्ट्रक्चर बना के दिया है आप इतना ही ले लीजिए, जबकि सवालिया निशान ये खड़े होते हैं कि योजना ये कहती है मोनिका जी कि आपको टंकी बनानी है, प्रॉपर पाइपलाइन डालनी है, नल के कनेक्शंस देने हैं, उसको टेस्ट करवाना है कि हर घर में पानी व्यवस्थित पहुंच रहा है या नहीं, उसके बाद ही आप उसको हैंडओवर देंगे। हम अधूरी योजनाओं को हैंडओवर नहीं दे सकते जी।
लेकिन बावजूद उसके अगर पीएचई विभाग के अधिकारियों की बात करें तो वो आधी अधूरी योजना को ग्राम पंचायत को हैंडओवर करना चाहते हैं। इस संबंध में अगर यहाँ पर पीएचई विभाग की अगर बात की जाए तो उनका किस तरह से सफाई सामने आई है, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के कि आखिर इस योजना के तहत यहाँ पर जो पाइपलाइन बिछाई जानी थी, टंकी का निर्माण किया जाना था, घर घर कनेक्शन जो है वो दिए जाने थे और इसकी टेस्टिंग की जानी थी, आखिर ये पूरा कार्य पीएचई विभाग के अधिकारियों के द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा, आखिर कहाँ पर समस्या आ रही है? मोनिका जी, समस्या बजट की आ रही है क्योंकि जितना बजट था उतना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। सभी की कमीशन खोरी में जेब में पहुंच चुका है। अब बाकी का जो निर्माण कार्य होना था उसके लिए पैसे अवेलेबल है नहीं है, तो अब आखिर ये कैसे उसको सुचारू रूप से संचालित करेंगे? भ्रष्टाचार की जो परिकाष्ठा है, जो कड़ी है, वो मंत्री से लेकर जो विभाग के बड़े बड़े आला अधिकारी रहते हैं वो सभी उसमें सम्मिलित होते हैं, जिस कारण से बजट समाप्त हो गया है। जो उसका 20 लाख का बजट था जिसमें आपको पूरे गाँव में पाइपलाइन और बाकायदा आपको एक हैंडओवर तैयार करके उस योजना को सुचारू रूप से संचालित करना था, अब उसकी जब धनराशि ही खप गई है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, तो आगे योजना का लाभ कैसे मिलेगा? आपको मैं बता दूं, बहुत टेक्निकली पॉइंट ये है इसमें कि पाइपलाइन परचेस किए जाते हैं उन पे भ्रष्टाचार कर लिया जाता है, नल की टोटियां परचेस की जाती है उसमें भ्रष्टाचार कर लिया जाता है, पाइप अवेलेबल मंगवाए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जाते हैं उन पे भ्रष्टाचार कर लिया जाता है, मोटर्स जो डलती है ट्यूबवेल में उनमें भ्रष्टाचार कर लिया जाता है, कंस्ट्रक्शन टंकी का करवाया जाता है वो चूने लगती है। मतलब आखिर आप ये समझिए कि आखिर एक बीरा पंचायत बस की बात नहीं है मोनिका जी, समूचे जिले के अंदर आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आपको नल जल योजना ठप्प मिलेगी, जिस कारण से शौचालय की व्यवस्था भी ठप्प है। चलिए रोकना चाहूंगी सुशांत आपको यहाँ पर। हमारे साथ धर्मदास दुबे जो सचिव है इस ग्राम पंचायत के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मदास जी स्वागत है आपका। धर्मदास जी, जानना चाहेंगे आपके ग्राम पंचायत में आखिर कहीं ना कहीं त्राहिमाम हो रहा है क्योंकि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा, स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा, जबकि नल जल योजना सरकार की तरफ से चलाई जरूर जा रही है लेकिन कई सालों से शायद ये योजना यहाँ पर ठप पड़ी हुई है। पीएचई विभाग के अधिकारियों से आपकी क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ कहना उनका? जी, मेरा अपने जो पीएचई विभाग के अधिकारी है उनसे संपर्क हुआ, मैंने उनसे बात की क्योंकि योजना ये 2012-13 में कम्प्लीट हुई है जी। और इसमें कुछ कमियां थी, उस वजह से इसको हैंडओवर ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं किया गया जी। और इसको ग्राहक सुधार में लिया गया है जिसमें वर्तमान में काम चालू हो चुका है जी। और जिसमें से वो उनको लाइन पूरी लाइन बदलना है और नए पंप सेट पूरे स्थापित करना है जी। जहां जो विसंगतियां हैं, जो कमियां हैं लाइन में जी, या सप्लाई में, और जो पाइपलाइन जहां पे अधूरी रह गई है उसको पूरा कम्प्लीट करके उसको लगभग 1 महीने के भीतर उसको कम्प्लीट किया जा रहा है। नहीं तो कार्य शुरू हो चुका है, आखिर 1 महीने के अंदर यहाँ पर लोगों को घर घर कनेक्शन मिल जाएगा, स्वच्छ पानी मिल सकेगा यहाँ पर लोगों को पीने के लिए, परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि अब जिस तरह से देख रहे हैं लगातार गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है और निश्चित रूप से गर्मी के मौसम में यहाँ पर धर्म संकट खड़ा हो जाता है पानी के लिए। कोई समस्या हमारे यहाँ नहीं होती है क्योंकि बहुत सारे हैंडपंप हैं और कुएं हैं ग्राम पंचायत में, पानी की समस्या ना कभी उत्पन्न हुई है ना इस वर्ष की होगी, लेकिन पेयजल व्यवस्था हमेशा अवेलेबल रहती है ग्राम पंचायत में, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और ये नल जल योजना पानी की व्यवस्था को और अच्छे से तरह से सुगम बनाने के लिए ये प्रारंभ की गई है शासन के द्वारा और इसको अच्छे से मॉनिटर किया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग चालू करेंगे। नहीं तो अब आपके तरफ से मॉनिटर जरूर किया जा रहा है, नल जल योजना जो है इसके तहत तो यहाँ पर कार्य भी प्रारंभ हो गया है, लेकिन आप यह आश्वस्त करते हैं कि वाकई में जल्द से जल्द इस योजना का लाभ गरीब जनता तक पहुँच पाएगा, आम लोगों तक पहुँच पाएगा, अब आगे किसी भी तरह की कोई खामी नहीं होगी इस योजना के तहत? क्योंकि पीएचई विभाग पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है और हमारी एसडीओ साहब से भी बात हुई तो उन्हें इस विषय में हमें आश्वस्त किया है कि हम 1 माह के भीतर इसको पूरा कंप्लीट करके और ग्राम पंचायत को टर्न ओवर कर देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुशांत आप हमारे साथ बने रहें, आपसे चर्चा जारी रहेगी। तो जी हाँ, नल जल योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जल वितरण व्यवस्था बनाने की सबसे कारगर योजना है जिसके माध्यम से लोगों के घरों तक आसानी से जल पहुंचाया जाता है, लेकिन शासन द्वारा लाखों रुपए की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में योजना शुरू तो कराई जाती है पर विभागीय लेट लतीफी के चलते कई गांव में यह योजना केवल नाम की ही रह गई है। फिलहाल यहां पर